लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, 150वीं उनकी जन्म जयंती, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको वर्ष भर मनाने का संकल्प लिया है। हमारे लिए ये बहुत गर्व और गौरव की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा जीवन इस देश के लिए रहा, देश के लोगों को समस्याएं ना रहें उसके लिए रहा, कि आने वाले समय के अंदर लोगों को किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़े, उन दिक्कतों में आने वाली पीढ़ियां ना रहें, वो खुली हवा में सर ऊंचा करके वो घूम सकें, सांस ले सकें। एक बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस देश की एकता में रही, और आज हम सब के लिए ये गौरव और गर्व का दिन है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम याद कर रहे हैं उनकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर के ऊपर। बताया भी है उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च कोटि के प्रशासनिक व्यक्ति भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक उच्च कोटि के राजनेता भी थे। हम जब उनके जीवन की तरफ देखते हैं कि जो फैसला वो करते थे उस फैसले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का मादा अगर किसी में था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर था, और उनकी दृढ़ इच्छा ही थी कि हमारे देश की जो छोटी बड़ी 562 रियासतें, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसके अंदर करने की कोई इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसी का परिणाम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उन समस्याओं का समाधान किया, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग शासन तंत्र चलता था, और ज्यादातर लोग उस शासन तंत्र के कारण, क्योंकि अलग अलग झगड़े भी रहते थे, कोई आकर के दूसरे को दबा लेता था, उसको प्रशासन करता था, और फिर अंग्रेजों ने भी आकर के कितना बड़ा अत्याचार किया, धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने का और देश के लोगों का शोषण करने का काम किया। हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय उन्होंने कानून भी अपने तरीके से बनाए, क्योंकि वो कानून जो बनते थे वो उनकी सुविधा के अनुसार बनते थे, वो भारत के नागरिकों की सुविधा के अनुसार नहीं थे। उनके प्रति अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको भी कितनी प्रकार की यातनाएं वो दी जाती थी, परंतु अब हमने देखा है कि उस अंग्रेजों के कानून को भी समाप्त करके भारत पिनल कोड के, भारत के अनुसार वो कानून बने हैं।
देश की जो समस्याएं थी, चाहे हम अभी चर्चा भी हुई है उसकी, जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से पूरा देश उसको भुगत रहा था। सबसे बड़ा तो यही एक मैं मानता हूं कि इतना बड़ा पाप हुआ है कि हम सब देश के लोग अगर आराम से रह रहे हैं तो पार्टीशन की जरूरत कैसे पड़ गई। ये पार्टीशन की जब हुआ, हम एक तरफ तो स्वतंत्रता का हर्षोल्लास से उसको मना रहे थे, दूसरी तरफ लाखों लोगों का बलिदान भी उसके अंदर हुआ था। हमारे वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, उनकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, इतिहास के अंदर हम भी वो जब देखते हैं पीछे मुड़ करके, ये कैसा व्यक्ति जिसको हमारे इस देश की ना भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम है, ना उसको यहां के सांस्कृतिक स्थिति के बारे में मालूम है, जो कभी भारत में भी नहीं आया, ऐसा व्यक्ति आता है, रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति आकर के एक लाइन खींच करके चला जाता है कि भारत है, पाकिस्तान है। एक तरफ हम देखते हैं ऐसे लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ अगर नजर डालते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और ऐसा कार्यकाल उनका रहा कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस भारत को एकता के सूत्र में परोने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसको आज हम स्मरण भी कर रहे हैं, जिसको याद भी कर रहे हैं। मुझे तो गर्व होता है कि इतने लंबे वर्षों के बाद अगर किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर सच्चे अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसी ने याद किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो समस्याएं भी रह गई थी उन समस्याओं का भी समाधान किया है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। किस प्रकार का वातावरण खड़ा हुआ हमारे ही देश के लोग इस प्रकार का वातावरण खड़ा करते हैं, क्या उनकी इच्छा शक्ति है, क्या उनकी सोच है। अगर धारा 370 समाप्त हो गई जिसको पूरा देश भुगत रहा था, हमारे नौजवान जिस पीड़ा को सहन कर रहे थे, मेरे देश के नागरिक जिस पीड़ा से जूझ रहे थे, एक भय का वातावरण उसके कारण पूरे देश के अंदर था। हम देखते थे कि बॉर्डर से आतंकवादी आता था और किसी न किसी देश के कोने में जाकर के लोगों के ऊपर किस प्रकार से उन लोगों को मौत के घाट उतार देते थे, देखते रहते थे, एक भय का वातावरण रहता था। ट्रेन में भी जाएं तब भी व्यक्ति सोचता था पता नहीं क्या हो जाएगा, हो जाता था। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो जाता था, परंतु ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि उस ऐसे कानून धारा 370-35 से, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग तो पीड़ित थे क्योंकि उनके आगे भी विकास के अंदर वो बाधा बने हुए थे, परंतु पूरा देश भी उस समस्या से जूझ रहा था, उस धारा 370 को भी समाप्त करके सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है।
आज ये पूरा देश, हम जब देखते थे कि एक ही देश के अंदर दो संविधान थे, दो निशान थे, दो वहां के प्रधान थे, परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, बिना परमिट के अंदर नहीं जा सकते थे, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता थी। अरे एक रियासत ही बची थी, उस रियासत के अंदर इतनी बड़ी दिक्कतें आई। और अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा हैदराबाद के निजाम जो ये बोलता था कि मैं भारत के अंदर शामिल नहीं हूंगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हैदराबाद के निजाम को भी सरेंडर करके भारत के अंदर विलय करने का जो निर्णय हुआ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, उसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और हम देखते हैं आज मुझे इस अवसर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस परमट प्रथा के प्रति यात्रा शुरू करके उसको समाप्त करने का काम किया कि जम्मू कश्मीर ये भारत का मुकुट, ये हमारे से कैसे अलग हो सकता है। और जिन लोगों ने इस भारत को दो भागों में बांटा है वो कौन लोग थे, उनकी इच्छा क्या थी, क्या राजनीतिक इच्छा के कारण ही उन्होंने देश के अंदर इस प्रकार का सिस्टम को खड़ा करने का काम किया, भोले भाले लोगों को किस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं ये नहीं सोचा। अरे परिवार के अंदर अपने खुशी से व्यक्ति रह रहा, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा, अपने बिजनेस पे जा रहा, अपनी खेती कर रहा, परंतु ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति को अपना बिजनेस भी छोड़ करके जाना पड़ता है, अपना घर भी छोड़ करके निकलना पड़ता है, अपना कारोबार भी छोड़ करके जाना पड़ता है और टेंट में जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है, इसका भी कोई जिम्मेवार होगा। ये ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने देश के लोगों के साथ इस प्रकार का वो मंजर खड़ा करने का काम किया। मुझे आज खुशी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए आपस में भाईचारे का भी संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार सरोवर बांध उसके किनारे के ऊपर इसका निर्माण हुआ और हर वर्ष रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ कि पूरा देश एक साथ चले, एक साथ आगे बढ़े, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। और हमें ऐसे अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के ऐसे महापुरुषों को जब हम याद करते हैं तो हमने इस देश को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, हमारे ऐसे व्यक्ति तब यहां बैठे हैं, पूरे हरियाणा के कोने कोने से आप लोग हैं, और हरियाणा के हर कोने से, हर गांव से, हर घर से व्यक्ति यहां पर कुछ इच्छाएं लेकर के भी आपके बीच में यहां पर आता है, उसको होता है कि हमारा काम यहां से होगा और हम सेक्रेटरिएट के अंदर जाएंगे। हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जयंती के अवसर के ऊपर हम सब ये संकल्प लेकर के कि हमारा हरियाणा ये आगे बढ़े। अगर लोगों की जो दिक्कत है, कोई समस्या है, उनकी कोई अपेक्षा है,
हम सामूहिक रूप से ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हुए उनको पूरा करने का काम हम सब मिलकर के करें, ये संकल्प लेने की आज आवश्यकता है। और मैं ये, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब हम उनकी जन्म जयंती के ऊपर 71 आए हैं तो उनको समर्पित, उनको याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि मेरा भारत 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत में देश के प्रदेश के, मेरे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का बड़ा योगदान उसके अंदर है। यह किसी एक विशेष व्यक्ति का काम नहीं होता, यह हमें सामूहिक निर्णय लेने होते हैं, सामूहिक फैसले लेकर के उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। जिस भारत मां के लाल ने इस भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया, उनकी जन्म जयंती के ऊपर हम ये संकल्प लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उस विकसित भारत में अपना महायोगदान देगा और हम हरियाणा के साथ साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के सभी नागरिक मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे, ऐसा हमें आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं आज आप सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जो ये कार्यक्रम उनके चलने वाले हैं, जहां जहां पर भी हम सब की कोई जिम्मेवारी, जिसमें क्योंकि व्यक्ति का करेक्टर होता है और उस करेक्टर के अनुसार ही जिस प्रकार का काम उसके जिम्मे आता है वो अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है। और जहां भी कहीं पर भी हम बैठे, जिस भी सीट के ऊपर बैठे या जिस भी पद के ऊपर हम बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि हम सब ये संकल्प लेकर के हरियाणा के लोगों के हित में ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर के ऊपर कि हम लोगों की उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे और उनको जो आवश्यकताएं हमसे हैं हम उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम आने वाले समय के अंदर मिलकर के करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम एक प्रतिज्ञा भी लेंगे अब खड़े होकर के। मैं आप सबको आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसा व्यक्तित्व आज हम सब के पास है, जिसको हम आज याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं और उन कार्यों और नीतियों को हम आगे बढ़ाते हुए इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी शपथ लेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की
आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प ले करता हूं। थैंक यू। भारत माता की। धन्यवाद सर, हम आभारी हैं आपकी इस कृपा के। कृपया आप यथास्थान खड़े रहें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में शिरकत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूं। सीएम सैनी ने कहा, इसके साथ ही अखंड भारत का निर्माण वल्लभ भाई पटेल ने किया, वल्लभ भाई पटेल के महान कार्यों का जिक्र किया। आज हमारे लिए गौरव का गर्व का दिन है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम बातों का जिक्र किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उनके महान कार्यों का जिक्र किया। अखंड भारत का निर्माण वल्लभ भाई पटेल ने किया। आज हमारे लिए गौरव और गर्व का दिन है। तो आपको बता कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की मुख्य अतिथि के तौर पर और वल्लभ भाई पटेल को याद किया, उन्हें नमन किया।